होली आते ही बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है तो महिलाएं भी तैयारियों में जुटी रहीं। आपको बता दें कि अब की बार बाजार में गुलाल और पिचकारी की धूम दिख रही है। खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल का नारा सार्थक हो रहा है। चाइना उत्पाद को लेकर विरोध के सुरों में चलते अब की बार चाइना उत्पादों में शामिल पिचकारी रंग चीज़ें बाजार में दिखाई नहीं दी। दुकान में बच्चों की जिद देखते ही बन रही है। आपको बता दें कि बाजार में खासी रौनक देखने को मिली। तो वहीं आज अभी शाम को होली का दहन किया गया तो इसके लिए लोग जो है बाजारों में खरीदने गए थे, तो वहां पर बच्चे बड़े बच्चे सभी रंग गुलाल व पिचकारी की खरीदारी करने में जुटे हुए दिखाई दिए थे। रंगोत्सव को अपने तरीके से खेलने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। इसके चलते बाजार में खूब रौनक देखने को मिल रही है। दुकानदार आशीष गोयल ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार बाजार में थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है। पहले की भांति इस बार रंग गुलाल व पिचकारी बहुत कम बिक रही है। उन्होंने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल के नारे को साबित करते हुए सभी पिचकारी और रंग स्वदेशी हैं। इस बार चाइना का माल बिल्कुल भी दुकान पर नहीं लाया गया है। देसी उत्पाद में पिचकारी रंग अबीर और गुलाल से पूरी दुकान भरी हुई है। रंग भरने वाली पिचकारी प्रेसरी पिचकारी 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के है। इनकी बिक्री अधिक हो रही है। कार्टून वाली पिचकारी और मुखौटे बच्चों को लुभा रहे हैं। आप देख रहे हैं पुनहाना से राजीव प्रजापति की रिपोर्ट। बाजार में त्यौहार की रौनक बहुत कम है। कोरोना काल के चलते लोग डर रहे हैं कि हम होली पर 2 गज की दूरी बनाए रखें और सरकार के नियमों का पालना करें, इसलिए अभी तक के होली के त्यौहारों में इस बार सबसे कमज़ोर होली का त्यौहार हम इसे कह सकते हैं। इस बार माननीय मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके आह्वान पर चाइनीज़ सामान का पूरी तरह बहिष्कार किया गया है। वो कोई भी सामान चाइनीज़ हम इस बार नहीं लेके आए हैं। हमने पूरी तरह स्वदेशी, जिससे हमारा भारत मजबूत बने और हमारे देश के युवाओं को लोगों को रोज़गार मिले, तो पूरा स्वदेशी होली का सामान हमने लाया है, चाहे वो पिचकारी हैं या रंग हैं या गुलाल हैं। बच्चे इस बार अपने खिलौने वाली ही पिचकारी कर रहे हैं पसंद। कुछ लोग हैं भी जो चाइनीज़ मांग रहे हैं, बाकी उनको समझा देते हैं तो अपना जो भी हमारे पास स्वदेशी है वो ले रहे हैं पूरी तरह। पहले से थोड़ा नहीं, बहुत फ़र्क है। हमारा जो सामान आया हुआ है, अब तक हम आधे से ज़्यादा सामान की बिक्री कर लेते थे, बाकी इस बार अभी ठीक से शुरू ही नहीं हो पा रहा है। मात्र 10 या 5% का हम अपना काम कह सकते हैं इस बार। पिचकारी हमारे पास 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की है। कितने प्रकार के हैं गुलाल वगैरह? दर्जनों प्रकार के रंग हैं। रंग में भी हमारे 2 ब्रांड हैं, सुगनचंद मुरारीलाल जी के जो पूरी तरह स्वदेशी हैं, और एक कॉक ब्रांड है, दोनों ही स्वदेशी कलर हैं। सामान इस बार स्वदेशी लाने का पूरा प्रयास किया गया है और हमारा हर एक नागरिक स्वाभिमानी बने और अपने पैरों पर खड़ा हो, देश हमारा ऊँचा उठे, ये हमने कोशिश की है। पूरा स्वदेशी अपनाओ, स्वदेश देश बचाओ।